नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम बस वाले वोटर में आपका स्वागत है। सेव साड़ी और सोने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर रतलाम से मैं हूं सुधीर जैन। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम से टटोलेंगे जनता की नब्ज, उन लोगों से बात करेंगे जो बसों में सफ़र करते हैं, और हमारे बस वाले वोटर से हम इस बात की तस्दीक करेंगे कि जनता की कसौटी पे उनके नेता, उनके सांसद और उनके केंद्रीय मंत्री कितना खरा उतरे हैं। क्या है देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, और कैसा है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा का चुनावी माहौल, और क्या कहता है जनता का मूड। तो अभी हम हमारे चुनावी सफ़र की शुरुआत करेंगे रतलाम के इस रोडवेज बस स्टैंड, और हमारी जो बस है ये चलना शुरू कर चुकी है, और इसी में अब हम चढ़ेंगे थोड़ी इस बस में और जनता से टटोलेंगे कि आखिर क्या उनके मन में है। तो शुरू करते हैं हमारा जो चुनावी खास प्रोग्राम है। नमस्कार, बस वाले वोटर की शुरुआत हो गई है। अभी हम सवार हो गए हैं रतलाम से होकर नीमच जाने वाली एक बस में, और ये बस जो है पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है यात्रियों से, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और यात्री अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं, और बड़ी सुंदर ये बस नज़र आ रही है, लोग हमारे तरफ देख भी रहे हैं, और इन्हीं से हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी क्यों आएगी, बीजेपी क्यों आएगी, कोई वजह तो बताइए। ऐसे ही लग रहा, बस माहौल ऐसे ही लग रहा। माहौल ऐसा कुछ काम किया है बीजेपी, वहाँ तो कांग्रेस ने किया, अभी तो काम, अभी तो कांग्रेस की सरकार थी। तो चुनाव का माहौल तो ऐसा होता है, होना चाहिए वैसा है, बस बात खत्म हो। राहुल गांधी आ रहे हैं अभी, आज से यात्रा शुरू करी। अब वो तो सब ऐसा देखो साहब, के सब सारे नेता आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे। अब चुनाव का तो ऐसा कि तो सब वोटर के ऊपर है, वोटर क्या चाहता है, क्या क्यों चाहता है, वोटर जाने, बस वोटर जिसको देगा वो जीतेगा, सीधी बात। क्या लगता है आपको, क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? नहीं, अपने लगने से क्या होता है, अगर अपने को कुछ लगता भी है तो उससे कुछ हासिल थोड़ी होना है। तो मन में होगा, क्या होगा, क्या होगा चाहिए? नहीं, कुछ नहीं लगता आजकल जनता का, अपन कुछ कह नहीं सकते। जनता के मन में क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये बहुत जनता के मन में क्या है ये कहना है एक वोटर का हमारे साथ में। और सर, मतलब चुनाव का क्या माहौल लग रहा है, लोकसभा चुनाव सर पे है, ये बीजेपी जीतेगी? क्या कौन सा फैक्टर है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया चुनाव में? नहीं, ये तो आएगा तो बीजेपी ना। हाँ बिल्कुल, 100% बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या कौन से अच्छे काम किए? अरे अभी तक तो अच्छे ही काम किए हैं। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं निकाली, गरीबों के लिए निकाली है, फ्री में अन्न दे रहे हैं, और विकास का कार्य कितना हो रहा है, जितना भी देश के अंदर सभी स्टेशनों का विकास हो रहा है, और बस स्टैंड का विकास हो रहा है, गाँव का विकास हो रहा है। अभी राम अयोध्या को बिल्कुल चमन कर दिया है, एक स्वर्ग की नगरी बना दिया उन्होंने, तो काफ़ी कुछ अच्छा काम हो रहा है। शिवराज जी ने जो योजना चालू करी 1250 रुपये देने की, वो अभी तक मिल नहीं रहा है। बीजेपी दूसरा प्रधानमंत्री अगर बना है तो ये भी दे रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री बना है तो योजना चालू ही है ना। लाडली बहना का सर? हाँ जी, लाडली बहना जी जी। कुछ और बहनें हमारे साथ हैं, यहाँ उनसे भी चर्चा करते हैं। मैम, क्या लग रहा है चुनाव आ रहे हैं, एज अ वुमन आप कितना सेफ महसूस करते हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर आपको? चुनाव को लेके यही लगता है सर कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? जी ऐसे काम है जो उनके, जो बीजेपी आई ऐसा है। आप लोग खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल खुश। क्या किया आपके लिए, क्या किया है? बहुत कुछ किया है साहब, हमें खेती वगैरह में भी लाभ है, सब चीज़ में हमें बहुत सुविधा है, मकान वगैरह लोन दिया है, बहुत कुछ काम है। उन्होंने कहा जाता है कि मुस्लिम जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उनका वोट नहीं आता है, लेकिन अब ऐसे तस्वीर बदल रही है। जी हाँ बिल्कुल, सबकी सोच अलग अलग है लेकिन बीजेपी ही है। अब आप बताइए, आप तो बस सीनियर है आपको क्या लगता है? आप तो कुछ नहीं कह सकते, माहौल गर्म नहीं है अभी। माहौल गर्म है? नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ के चुनाव देर है ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ताल के रहने वाले। अच्छा, क्या उधर कौन जीतता है हमेशा, वहाँ भी बीजेपी आती है? बीजेपी आती है। काम हुए हैं आपको लगता है? काम हुए ना, काम तो करें, बड़े काम तो सब बड़ा बड़ा काम करे, बड़े बड़े काम करें, काम हुए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है यहाँ पे, और भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बस बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। क्या माहौल क्या है अभी? माहौल तो बीजेपी का ही है। कौन सा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर जो लगता है चुनाव में आपको असर डालेगा? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वैसे तो, माहौल पे डिपेंड करता है, माहौल थोड़ा बीजेपी का बना हुआ है तो लोग बीजेपी को वोट देंगे। आप उद्योगपति है, आप लोगों को कितनी राहत मिली इस पूरे माहौल में, कितनी राहत मिली आपको? देखिए बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं है,
परेशानियां हैं बहुत सारी, क्योंकि नोटबंदी के बाद से बहुत सारी दिक्कतें हुई, उसके बाद जीएसटी के बाद भी दिक्कतें हुई, उसके बाद कोरोना आ गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनका समाधान भी ऐसा कोई खास हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी खाली उद्योगपतियों के वोटों से तो कोई जीतेगा नहीं ना हारेगा, तो इन जनरल अगर जनता को फ़ायदा हो रहा है तो वो वोट देंगी। और बेरोजगारी की बात हमेशा विपक्ष करता है, आपको लगता है बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहेगा इस बार? बेरोजगारी का मुद्दा तो है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अब वो हावी रहेगा या नहीं रहेगा ये एक अलग फैक्टर है। वैसे तो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, वही काफ़ी जिताने के लिए, तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जीतने के लिए 30% ही वोट चाहिए, 30% भी दे देंगे तो हो जाएगा काम। क्या बात, बड़ी बड़ी बात कही है इन्होंने। और युवा है और कुछ लोग हमारे साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। सर आप बताएं, चुनाव लगभग तैयारी है चुनाव की और लोकसभा चुनाव है, तो कौन से ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो इस बार इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, जिसको देख के जो वोटर है वो वोट देने जाएगा? वो तो वन साइडेड है मोदी जी का सर, वो ऑल फैक्टर सभी सब में उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया है। GDP आप देख लो, इंडिया 10 नंबर से 5th पे आ गया है, और उन्होंने इकोनॉमी का बोला ये 5 साल में 3rd नंबर पर कर देंगे, वो सब चीज़ों में पॉजिटिव ही है। अब एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए तो 5% के अराउंड था, अभी 2.3% पर आ गया है, उसमें भी पॉजिटिव रहा है। इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी राहत दी उन्होंने, और टैक्स सेविंग्स वगैरह भी काफ़ी उसमें क्लियरिटी आया है ऑनलाइन के थ्रू, तो हर चीज़ में उन्होंने प्लस करके ही दिया है, कुछ डाउन में नहीं रहा है। विपक्ष कितनी उम्मीद है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, कितना इम्पैक्ट होगा? तो विपक्ष में उनको उनका काम करना पड़ेगा ना सर, वो सर होगा इसका। मध्य प्रदेश में भी ऐसी न्याय यात्रा उनकी अभी 10% है अभी तो, क्योंकि जहाँ शाजापुर में थे वहाँ भी था मैं, पर इतना इफेक्ट नहीं था उनका। हाँ, राम मंदिर का कितना असर होगा, राम मंदिर जो बना है उसका कितना असर होगा चुनाव में? वो सर राम मंदिर का तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसमें, हिंदू के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसमें, मेंटेलिटी और फिजिक मेंटेलिटी बहुत असर है, हिंदू नहीं ओवरऑल में इंडिया की बात करूँ तो उसका बहुत इम्पैक्ट जाएगा, बहुत इम्पैक्ट जाएगा राम मंदिर जो फैक्टर है। सर आप बताएं, राम मंदिर का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इस बार? राम मंदिर का इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में रिलीजियस सेंटीमेंट तो है ही से, तो जाहिर है उसका फ़र्क पड़ना ही है। तो न्यूज़ 18 का सफ़र जारी है, बस में हमारी चर्चा जारी है, कुछ सीनियर लोग भी है, भीड़ भी बढ़ रही है, और थोड़ा सा दादा चुनाव आए हैं बस लगभग सर पे है चुनाव हमारे, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, इस बार खास तो क्या होने वाला है सर, पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जी ने कहा था कि किसानों को हम 22 तक आय दुगनी कर देंगे, दुगनी तो नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया किसानों का। तो मेरे हिसाब से तो सरकार चेंज होना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। अच्छा, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? राहुल गांधी तो बनना ही नहीं चाह रहा वैसे भी। क्यों नहीं बनना चाह रहा? वो तो न्याय यात्रा भी चाह रहे, कह रहे मुझे कोई पद नहीं चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार भी नहीं है। पैसों वाले की ही सुनवाई हो रही है इस देश में, पैसों वालों की कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और पैसे बांट के वोट ले रहे हैं मोदी जी, और क्या कर रहे हैं, पैसे बांट के वोट मिल रहे हैं। अम्मा कहाँ जा रहे हैं आप? जावरा जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या इस बार चुनाव में क्या लगता है, कौन आएगा चुनाव में इस बार, कौन जीतेगा? मोदी जी आएगा तो है। क्यों, कैसे आएंगे, कैसे आप आएंगे मोदी जी? आएगा, अब सब पब्लिक देगा तो आएगा। बड़े काम बताइए ना, जो बड़े काम आपको अच्छे लगे उनके। बड़े काम, अच्छा काम तो कर रहे हैं मोदी जी। वोट देंगे उनको? तो वोट तो दे ही रहा है के मोदी जी। योजना का लाभ आपको, योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ मिला नहीं, पैसा ये लाकी रहा नहीं पैसा। अच्छा। हाँ 600 रुपये महीना, 600 महीना मिला, चलिए भी इनको तो लाभ मिल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग और भी है, इनसे भी चर्चा करते हैं। अब चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है मध्य प्रदेश में, क्या माहौल है देश में, क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? बढ़िया माहौल है साहब, बीजेपी आएंगी, ऐसी बात नहीं। से बड़े काम गिनाई दो चार, जो बड़े काम आपको अच्छे लगे सरकार के? सरकार के तो बड़े काम ही अच्छे हैं, सब बड़े काम ही कर रहे हैं सरकार, तो कोई सा छोटा काम कर रही है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आपको लगता है? बेरोजगारी थे ना सर, ऐसा तो नहीं है, वैसे चल रहा है फिर भी, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, बीजेपी को देंगे वोट तो। वैसे राहुल गांधी निकले हैं अभी यात्रा करने के लिए, हो तो सकता है सर 30% असर होगा उनके? हाँ हो सकता है, कभी सर होगा राहुल गांधी जी की यात्रा का, ऐसा कुछ पैसेंजर का भी कहना है। दादा आप कहाँ जा रहे हैं?
नामली। नामली जा रहे हैं, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या इस बार चुनाव आ गए हैं वापस? हाँ चुनाव आ गए। हाँ, क्या होगा? बस बीजेपी की सरकार आएगी। भगवा गमछा डाले हुए हैं यहाँ। हाँ आएगी ना बीजेपी। बताइए राम मंदिर 400 पार होगी। हाँ अच्छा, कौन सा जो मुद्दा है सबसे? ये राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से पड़ा था, कांग्रेस अटका रही थी, बीजेपी ने 15 साल में ही पूरा कर दिया। देखो ना, आज अयोध्या में जाके आया स्वयं। हाँ अभी 22 तारीख को अयोध्या गया था मैं, चित्रकूट प्रयागराज होते हुए आया। हाँ कितना असर होगा इस पूरे चुनाव में इसका? बहुत आनंद रहेगा और बीजेपी 1 रुपया जीतेगी। हाँ बीजेपी राम मंदिर बड़ा इम्पैक्ट और बड़ा प्रभाव बता रहे हैं यहाँ पे जो पैसेंजर है, तो युवा भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। बेटा क्या करते हैं आप? कॉलेज। कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है? बीजेपी। क्या वजह है? बस वजह नहीं, कुछ तो कुछ काम तो किए होंगे, 2-3 काम। आप तो सारे काम वही करते हैं। आप तो पढ़ रहे हैं, आपको तो पता भी हो, कुछ योजनाएं याद है आपको कुछ ऐसा? उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है, वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने की है। आने जाने में प्रॉब्लम होती थी वो भी सॉल्व किए, युवा सब मोदी जी के साथ नजर आ रहे हैं इस बार? नजर आने से कोई महत्व नहीं है, घर में बैठे बैठे भी लोग उनकी तरफ ही है, वो घर में हो बाहर हो कहीं भी, हर आदमी उनके साथ है, कुल मिला के ही है। साथ घूमने वाला ही सबके साथ हो, मतलब जो घर बैठे लोग हैं वो भी मोदी जी के साथ है, ऐसा कहना है युवाओं का। दादा आप तो बहुत सारे चुनाव में वोट दे चुके हैं, लग रहा है आपके जो उम्र है उसको देख के, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार बीजेपी। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? हर बात का मुद्दा सही है। कैसा, कुछ तो बताइए। से लेकर व्यापारी तक को भी मुद्दा अच्छा है, सबको अच्छा मिल रहा है। ये तो एमएसटी सब तो माल ज्यादा पक गया तो क्या मिलेगा, वो तो माल ऊपर खेले, विदेश मांगेगा तो माल अच्छा भाव मिलेगा। ये मुद्दा सब असल मोदी जी की तरफ ही रहेगा। हिंदुत्व का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान धर्म ये मुद्दा है नहीं, ये काम का मुद्दा है, देश को आगे निकालना। भारत पूरा आज पहले कहाँ था, आज कहाँ है, इसलिए मोदी आएगा। लोगों के मन में जो मोदी वाली बात है वो फैक्टर यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। तो बस जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, लोग भी उतरते जा रहे हैं, नए पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं, सफ़र लगातार चल रहा है और हमारा जो चुनावी जो वोटर है, हमारे जो बस वाले वोटर हैं वो भी लगातार हमारे जो वोटर वो भी अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं पीएम को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर और सरकार के कामों को लेकर लोग लगातार अपनी बात बता रहे हैं। विपक्षी राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष कितना जो है जनता की जो उम्मीदें है कसौटी उस पर खड़ा उतर पाता है, क्या लगता है आपको विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे आप? विपक्ष के बाद कुछ मुद्दा ही नहीं ना सर डेवलपमेंट के लिए, क्या बताएंगे आप बताइए? उनका सिर्फ मोदी जी के जो उन्होंने काम किया उसके अगेंस्ट में जाना, उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं बताने के लिए। गवर्नमेंट अपने पब्लिक के लिए कुछ उन्होंने कुछ काम किया नहीं इतने 60-70 सालों में, आपने देख लिया है, सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ हुआ नहीं है। हम जो टैक्स पेयर है उसका पैसा अब सही जगह लग रहा है डेवलपमेंट में, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है सभी का अंदर से वो तो दिख रहा है सबको। ये बड़ी बात कही कि टैक्स पेयर का पैसा सही जगह लग रहा है। अच्छा वुमन एम्पावरमेंट हुआ है आपको लगता है? बहुत हुआ है सर, और आपको लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, अभी जो सीटों के उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बहुत इम्पैक्ट आएगा। बीजेपी में तो सिग्नल दिया उन्होंने उस हिसाब से, और वो आपका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। पहले आप देख सकते थे सुरक्षा के नाम पे महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी, अब तो फ्री हैंड घूम सकते हैं और इतना लिबर्टी भी काफ़ी मिला है। यूपी में आप देख सकते हैं कितना चेंजेस हो गया ड्रास्टिक, वो चीज़ सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगी। उन्होंने बोला ही अभी थर्ड टाइम ने उन्होंने क्लियर करा कि हम लोग इकोनॉमी में थर्ड सेक्टर पे पहुंच जाएंगे 5वें से। इकोनॉमी और वुमन एम्पावरमेंट में जो है काम बहुत ज़्यादा हुआ है, काम बड़ा है। बस वाले वोटर में हमारा सफ़र जारी है, अब हम बस के सभी यात्रियों से चर्चा कर चुके, सिर्फ केबिन के यात्री जो है उनसे बात करेंगे। केबिन बिल्कुल देखिए आप, खचा खच भरा हुआ है, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, और ये पूरा जो है कोरम पूरा है बस का। ड्राइवर साहब भी मोबाइल पर लगे हुए, ड्राइवर साहब मोबाइल पर कम से कम मत चलाइए। हाँ ड्राइवर साहब लगे हुए थे मोबाइल पर। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? क्या माहौल है चुनाव का, मंथन थोड़ा हॉट स्पॉट है, सुधीर गुप्ता जी है वहाँ सांसद और इस बार फिर से चुनाव में वो उतर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार चुनाव में आपको? माहौल तो है चुनाव का भी, और अधिकतर तो मंदसौर से सुधीर गुप्ता जी से ही उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, और हम तो हमेशा उनको ही वोट देते हैं। क्या आप महिलाओं के लिए कौन से बड़े काम हुए जिससे आपको खुश है? महिलाओं के लिए काम हुए, बस उससे ज़्यादा हम जो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं
हम उससे ज़्यादा खुश है कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं अभी फिलहाल। बात कही कि वे महिला सुरक्षित महसूस करती है। और हरा बस वाले वोटर का सफर, बस हमारी जो है अपने आगे के गंतव्य की ओर जा चुके हैं। कुल मिला के मिली जुली प्रक्रिया प्रतिक्रिया है जो वोटर्स है उन सभी की, लेकिन एक फैक्टर तो कॉमन यहाँ पर नजर आ रहा है कि सरकार के काम से कहीं ना कहीं जो वोटर है खुश है, लेकिन राजनीति का ये वोट, लोकसभा चुनाव का जो ये मौसम है, जो माहौल है, उसमें किस करवट बैठेगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव ही बताएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।